पोको के F4 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर यहाँ पे हाइपर ओएस का मोड अपडेट लेके आ चुका हूँ, जो कि आई होप कि आपको पसंद आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अबाउट में आपको लिखा हुआ मिल जाता है हाइपर, जो कि 1.0.8 बाय हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है। थोड़ा डिफरेंट सा नेम है, लेकिन हाँ रोम मुझे पसंद आया, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे सिंपल देखने को मिलती है और कुछ चीज़ें एडवांस मिलती है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए, और इनके पहले भी अपडेट आ चुके और मैंने वीडियो दिया और आप सभी को पसंद भी आए थे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक करते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग भाई पोको F4 पे सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, इसलिए इसके वीडियो में कम ला रहा हूँ। यहाँ पे अगर अनलॉकिंग की बात करें तो अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी सही आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और साथ साथ यहाँ पे लॉक पे आपको डिफरेंट वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया गया है, और अनलॉकिंग पे डिफरेंट है। यहाँ पे जो आइकन है वो पोको लॉन्चर वाला ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आइकन एनिमेशन यहाँ पे नजर नहीं आता है। बाकी विजेट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे विजेट्स को डेड रखा गया, आई डोंट नो वाई। तो यहाँ पे कोई भी चाइना विजेट सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, ओल्ड वाला है, मैंने नेट वगैरह कनेक्ट करके देखा है बट मुझे नज़र नहीं आया। बाकी सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको 1.0.8 देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इनका पूरा अबाउट डिटेल वगैरह भी दिया गया है, जहाँ पे वर्जन बिल्ड डेट वगैरह मेंटेनर और बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बाकी हम अबाउट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 14 4 मंथ का सिक्योरिटी पैच है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें जो कि दिखाई देती है। स्मूथनेस ओवरऑल ठीक है, और हाँ यहाँ पे जैसे कि स्टॉक में रहता है ना सेम वैसा ही है, चाइना वाला आपको फील नहीं आता, स्प्रिंग एनिमेशन नहीं है। एडिशनल सेटिंग की बात करें तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी फ्लोटिंग विंडो वगैरह यहाँ पे आपका है, जो टूल बॉक्स वगैरह साइड बार वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। बैटरी के अंदर यहाँ पे अगर हम इन करते हैं तो आपको यहाँ पे लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह नहीं ऐड है, जैसा कि ऑफिशियली गैप था सेम उसी तरीके से है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग मिलता है। साउंड के प्रोफाइल पे अगर हम इन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन कंट्रोल का वॉल्यूम इनेबल कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें डार्क मोड की, तो डार्क मोड में इंडिविजुअल ऐप की लिस्ट आपको मिल जाती है, प्रॉपर ये काम करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। ऑटो ब्राइटनेस भी हमारे यहाँ पे वर्किंग है, साथ साथ यहाँ पे एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन है। रिफ्रेश रेट में आपको 160 और 90 के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि सही है। होम लॉन्चर बिल्कुल ही सिंपल सा रखा गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं देखने को आपको मिलता है, तो बिल्कुल ही बेसिक से सेटिंग यहाँ पे रखे गए हैं। अनदर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वही आप नोटिफिकेशन 7 तक इनेबल कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपको जो 3 या 5 तक ही देखने को मिलता है, बाकी वही कॉमन सेटिंग है। लॉक स्क्रीन के अंदर वही नॉर्मल से ऑप्शंस है, और यहाँ पे पर्सनलाइज का जो फीचर्स मिलता है ना वो इस जगह पे रखा गया है, जो कि स्टॉक जैसे ही पूरा का पूरा फील आता है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप है जो अपना टाइमिंग वगैरह रख सकते हो 10 सेकंड या ऑलवेज वगैरह, बट मैं 10 सेकंड ही यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा, और हाइपर के सारे क्लॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे इसका खुद का कस्टमाइजेशन थोड़ा सा दिया गया है, जहाँ पे आपको स्पूफ के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर वगैरह यहाँ पे आपको पास मिल जाता है, और बूट लोडर लॉक का स्पूफ ऐड किया गया है, फोटो स्टोरेज अनलॉक है, और गेमिंग का भी अनलॉक किया गया है। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल गूगल इसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, टाइम टू टाइम ब्लॉक करते रहता है, तो अभी के टाइम पर आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, और सिर्फ एक नहीं यहाँ पे तीनों आपके पास रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और मैं ये कहूंगा कि आप बार बार इसे चेक मत करना, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसे डालोगे और चेक करोगे ना, उतनी जल्दी ये ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया एक बार चेक करके कि हाँ यहाँ पे पास है, तो आप मत चेक करना, अदरवाइज ये फेल होने में टाइम नहीं लगेगा, और फिर आप बैठ के रहोगे यार काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लॉक भी शो करता है बूट लोडर, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कि लॉक बूट लोडर में ही काम करते हैं, लॉक पे काम नहीं करते, वो यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाते हैं, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, अगर इन फ्यूचर फेल हो भी जाता है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये ऑटो अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रूट यूज करना पड़ेगा। तो आप अपना KSU या मैजिक से अपने फोन को रूट कर लेना, और ये ऑटो अपडेट होते रहेगा और आपका फिक्स करते रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि एक एडवांस फीचर्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि अभी के टाइम पे फिक्स है, इन फ्यूचर फेल होता है तो आप रूट कर लो और ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं क्लॉक के अलग अलग स्टाइल फॉर्मेट्स वगैरह, जो कि यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है। बाकी यहाँ पे आपको राउंड कॉर्नर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, वेदर की सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ऑलवेज ऑन का है, मैनेज ऐप का है, रेडियो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, और बाकी वही बेसिक से ऑप्शंस है। बट पर्सनली ये जो फीचर्स यहाँ पे दिए गए ना, ये बिल्कुल ही इंप्रेसिव है, और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नीड है इसकी भाई, तो ये मुझे पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं होम स्क्रीन पे, तो ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह के एनिमेशन जो है वो मुझे ओवरऑल सही लगे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट वगैरह क्या निकल के आता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ओके। तो आते हैं गैलरी पे, तो जैसे आप सेटअप कंप्लीट करते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ये सिस्टम डिफॉल्ट वॉलपेपर और इतना ही एप्लीकेशन आपको नजर आते हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, सब ब्लॉटवेयर फ्री रखा गया है। बूट लोडर यहाँ पे लॉक शो करता है, ये स्पूफ ऐड है, आपका तीनों पास रहता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। कैमरा वगैरह वर्किंग है, डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड रहता है, और हाँ गैलरी
गैलरी के अंदर नए लेटेस्ट फीचर्स ऐड किए गए हैं, यानी आपको गैलरी जो अप टू डेटेड मिल जाता है लेटेस्ट वाला। चार्जिंग स्पीड आप देख सकते हो 34 मिनट में 57% गया है, जो कि अच्छी बात है। बैटरी ड्रॉप 87 के बाद मॉर्निंग में आता है 83, जो कि सही है, लेकिन 4% का बैटरी ड्रॉप दिखाई देता है, जो कि मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं पे जो सीपीयू टोटल की बात करें तो 3,10,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,69,000 है, जो कि अच्छा खासा रिजल्ट है। अनदर अनट्रू स्कोर रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इतना बहुत कमी आता है, तो ये चीज़ सही है। और यहाँ पे देखो हीटिंग कंट्रोल भी है, साथ साथ गिग बेंच हमेशा इसमें रोता धोता रहता है, तो सेम उसी तरीके से वीक आता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे गेमिंग मोड ऑन कर देता हूँ गिग बेंच के अंदर, यानी गेम ट्रो में डाल देता हूँ गिग बेंच को, उसके बाद चेक करता हूँ तो रियल में इम्प्रेसिव आता है। लेकिन अगर मैं बैटरी के अंदर जाके यहाँ पे बूस्ट मोड ऑन करता हूँ, परफॉर्मेंस मोड को ऑन करता हूँ, तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आता। ये नॉर्मल टेस्टिंग है, ये परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद जो कि बैटरी के पास से था, और ये है हमारा गेम ट्रो में ऐड करने के बाद परफॉर्मेंस मोड बूस्ट करने के बाद का रिजल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अनदर यहाँ पे देख सकते हो फिर से गेम ट्रो में डालने के बाद कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला, यानी ये गेम ट्रो के अंदर का रिजल्ट है और ये नॉर्मल टेस्टिंग का रिजल्ट है, तो कुछ खास बिग चेंज नहीं देखने को मिलता। बाकी सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाता है, जो कि एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे सही निकल के आती है। साथ ही साथ हम बात करें बाकी तो चीज़ों की, जैसे कि आपको L1 का सपोर्ट मिल जाता है और डॉल्बी विजन HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। फोटो स्टोरेज अनलॉक मिल जाता है, चार्जिंग मैंने चेक किया है जो कि वही सेम काफ़ी सही है, कैमरा वगैरह हमारे यहाँ पे वर्किंग रहता है। तो ये रो मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, लेकिन कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि इसे और बेहतर बनाती, जैसे कि यहाँ पे विजेट्स अनलॉक रहते, तो अभी तो फिलहाल मेरा नहीं है, मे भी कोई मैथड वगैरह होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, बट यहाँ पे जब से मैंने डाला है अभी तक नहीं देखा। साथ साथ स्प्रिंगी एनिमेशन अगर यहाँ पे रहता तो बेटर रहता, लॉन्चर में कम से कम एक दो चीज़ें और होती तो और मज़ेदार होता, बट स्टॉक है तो भी मुझे कोई खास शिकायत नहीं है। तो रोम मुझे रियली में पसंद आया और आपको भी पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ है, परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रहा है और हर एक नीडी फीचर्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है और मैं कह सकता हूँ कि टिल नाउ ये एक बेस्ट रोम साबित होने वाला है। कुछ चीज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जैसे कि विजेट्स वगैरह कोई बड़ी इशू नहीं है, मैंने ऑलरेडी कई सारे फाइल दे रखे हैं जिसकी हेल्प से आप विजेट्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो टेंशन नहीं है इसकी भी, लेकिन होता तो अलग ही बात होता। तो यही चीज़ें रहती है। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो एक हाइब्रिड रोम है, तो आप इसे अपने पीसी से डाल सकते हो या फिर रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो। मैं इंस्टॉलेशन गाइड ऐड कर दूंगा लास्ट में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, व्यू जाएंगे तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज फिर वही रुक रुक के आपको वीडियो मिलेगी। ये एक इंस्टॉलेशन गाइड है, तो ठीक से सुनना, समझना और फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेना है, पासवर्ड मोड ऑन करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करें, पासवर्ड मोड ऑन होने आपको फिर से कनेक्ट कर देना है। अब जो भी रोम आप फ्लैश करें उसे अनजिप कर लेना, जैसे कि मैंने कर रखा है। उसके अंदर आपको इंस्टॉलर बैट फाइल देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग नेम से आपको दिखाई दे सकता है, तो अपने हिसाब से पिक कर लेना और डबल क्लिक करके रन कर देना। आपसे मे भी पूछ सकता है कि फॉर्मेट करना है या नहीं, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको कमांड को एंटर कर देना है। रूट का अगर ऑप्शन आता है तो आप अपने हिसाब से रूट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर KSU वगैरह या कर्नल वगैरह जो कुछ भी आता है यहाँ पे CMD के ऊपर अपने हिसाब से सेलेक्ट करते जाना। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, जिसमें 5 या 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, फोन पे बूट लोगो आ चुका है और टूल पे लिखा हुआ आ गया प्रेस एनी की। सम टाइम ये लिखा हुआ नहीं आता है, सम टाइम आपसे पूछ देगा कि फॉर्मेट करना है या नहीं। जो कुछ भी आता है उसके हिसाब से आप जो अपना काम कर लेना, और उसके बाद आपका जो फोन कुछ ही मिनट में बूट कर जाएगा हाइब्रिड मेथड यानी बैट फाइल रन करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है काफी ईजी तरीके से। रिकवरी मेथड के लिए फिर से आपको पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट मोड में ऑन हो जाएगा। उसके बाद पीसी से कनेक्ट कर लेना है, जिस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, आपको नहीं पता तो देख लेना, काफी इजी है और वन टाइम ये इंस्टॉल कर देता है। बस आपको यहाँ पे रन करना है बैट फाइल को, और जो भी इमेज फाइल आपने रख रखा है रिकवरी का वो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार बस वाई क्लिक कर देना है और आपके फोन के अंदर वन टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा और रिकवरी ओपन भी करके दे देगा। जैसे ही आपका फोन ऑन होता है, आपको जो फाइल को ब्राउज कर लेना है और सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में नॉर्मल वाइप वगैरह कर सकते हो। इसके कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको सिंपल यहाँ पे आना है वाइप के ऊपर, फॉर्मेट डेटा पे जाना है, यहाँ पे आपको यस टाइप करना है और फॉर्मेट करके रिबूट कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।